हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरमान औसम और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। दोस्तों, हेल इन अ सेल पेपरव्यू के लिए दो मैचेस की अनाउंसमेंट कर दी है WWE ने। पहला मैच है मिक्स टैग टीम मैच डैनियल ब्रायन एंड ब्री बेला वर्सेस द मिज एंड मरीज, और दूसरा मैच है AJ स्टाइल्स वर्सेस समोआ जो फॉर WWE चैंपियनशिप। पर हेल इन अ सेल जिस स्टेडियम में होने वाला है यानी कि AT&T सेंटर, उन्होंने और चार मैचेस की एडवर्टीजमेंट कर दी है जिसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है WWE में। तो चलिए जानते हैं उन चार मैचेस के बारे में। पर शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। पहला मैच है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेक्स फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन के पास मनी इन द बैंक है, फिर क्यों उन्हें 1-on-1 हेल इन अ सेल में भी चांस मिल रहा है, तो इसका जवाब मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा मैच है जेफ हार्डी वर्सेस रैंडी ऑर्टन। इन दोनों का फ्यूड बहुत लंबे समय से चल रहा है। रैंडी ऑर्टन ने जेफ हार्डी को बहुत टॉर्चर किया, पर लास्ट वीक स्मैकडाउन लाइव में जेफ हार्डी ने अपना बदला ले ही लिया। पहले रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो मार के वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके बाद टेबल पर उन्हें स्वांटन बम भी दे दिया। पर इन दोनों के मैच का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकला था, इसलिए ये फिर फेस करेंगे एक दूसरे को 1-on-1 हेल इन अ सेल पेपरव्यू में। तीसरा मैच है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रोंडा रॉजी फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। समर स्लैम में रोंडा रॉजी से बुरी तरह से हारने के बाद लास्ट वीक रॉ में हमने देखा था एलेक्सा ब्लिस का हार्ट टूटा हुआ है, इसलिए अब पता नहीं वो कैसे लड़ पाएंगी ये मैच। पर अगर AT&T सेंटर वालों ने इस मैच की एडवर्टीजमेंट कर दी है तो ये मैच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर एलेक्सा ब्लिस लड़ती भी हैं तो रोंडा रॉजी की पिछली परफॉर्मेंस को देखकर लगता नहीं वो इस बार भी उनके आगे टिक पाएंगी। और चौथा मैच है टैग टीम मैच डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर। समर स्लैम में पहले सेथ रॉलिंग्स जीत गए थे डॉल्फ ज़िगलर से, और लास्ट वीक रॉ में डीन एम्ब्रोस ने भी ज़िगलर को हरा दिया, और अब AT&T सेंटर वालों ने हेल इन अ सेल में इनके टैग टीम मैच की एडवर्टीजमेंट कर दी है। ड्रू मैकइंटायर और डीन एम्ब्रोस फेस टू फेस नहीं आए हैं अभी तक, इसलिए मजा आएगा इस मैच में। तो दोस्तों, ये थे वो चार मैचेस जिसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया WWE ने, पर AT&T सेंटर वालों ने एडवर्टीजमेंट कर दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि मैच कार्ड चेंज भी हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैच चेंज होगा। और याद रखिए, हेल इन अ सेल 16 सितंबर को होगा और इंडिया में 17 सितंबर की सुबह को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे रेस्टिंग पीडिया चैनल को, ताकि इतनी औसम वीडियोज आपसे मिस ना हो।